एबीपीएस न्यूज़, एबीपीएस न्यूज़ टीम के साथ जनपद बरेली के ब्लॉक आलमपुर जाफराबाद में स्थित बल्लिया गांव में लेकर चलते हैं। लगभग 7500 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी 9 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गाँव की प्रधान बीना गुप्ता है। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। वर्तमान प्रधान ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत गाँव में शौचालयों का निर्माण कराकर पात्रों को वितरित किए हैं। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में लगभग 150 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में 12 सीसी टाइल्स रोड, 7 खडंजे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 13 आवास तथा पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण भी कराया है। वहीं पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त कराने के लिए गांव में 92 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा 50 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं बात अगर विद्युत व्यवस्था की जाए तो गांव में 300 विद्युत पोल, 30 विद्युत ट्रांसफार्मर व 10 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं तथा 200 विद्युत पोल एवं 20 विद्युत ट्रांसफार्मर सरकार से लगवाने की मांग है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में शमशान घाट, बारात घर, आंगनबाड़ी केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 400 शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य में केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम पंचायत प्रतिनिधि प्रधान श्रीमती वीरा गुप्ता, मेरा नाम वीरा गुप्ता है बेटा, और हमारी ग्राम पंचायत में सीसी रोड का कार्य करंजा सांची है और हमारे यहाँ समस्याएं जो है शौचालय की है, सड़कों की है और शमशान भूमि है और दसवा गृह है, धर्मशालाएं हैं और तालाब बाराधर, इन चीज़ों की समस्याएं हमारे हैं। अपने प्रस्ताव दे रखे हैं, जल्दी उस पर कार्रवाई सरकार करेगी, देखते इंतजार में है। पर काम बहुत देरी होता है ब्लॉक में और बाकी गांव के लोगों से मैं यही कहूँगा कि स्वच्छता पे ज़्यादा ध्यान दें, सभी को सफाई करनी चाहिए और सब मिलके एकजुट होके सफाई करेंगे तो हमारा गांव स्वच्छ होगा, देश स्वच्छ होगा। मेरा नाम सुनील गुप्ता है और ये तार इतने नीचे लटके हुए हैं, अगर यहाँ से गाड़ी बच्चों को लेके जाती है तो डर लगता है कि गाड़ी टच हो गई तो ये करंट आ जाएगा पूरी गाड़ी में, कोई दुर्घटना हो सकती है। कितना नीचे तार लगा हुआ है देखो, यहाँ तो गाड़ी भी नहीं गुजरेगी। कई बार कहा गया कई बार कहा गया कोई सुनने वाला ही नहीं है।